नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। बिहार की सियासत एक बार फिर बड़ी करवट लेने जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल की राहें जुदा हो चुकी हैं और रविवार को इस पर औपचारिक मुहर लगेगी। बिहार में कल नई सरकार के गठन की खबर है। आज रात तक बीजेपी का समर्थन पत्र मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाएगा। नीतीश कुमार कल 10 बजे मुख्यमंत्री निवास में जेडीयू नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद कल दोपहर बजे तक वो इस्तीफा दे सकते हैं। कल शाम ही नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। आज पटना में आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई। आरजेडी विधायक दल ने फैसला लेने के लिए लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया है। विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने हमेशा नीतीश कुमार का सम्मान किया। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने बैठक में ये भी कहा कि बिहार में खेल होना अभी बाकी है। जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो, उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। वो कोई भी निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को लेना है। विषय बहुत साफ है कि जो लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर के विस्तृत चर्चा हुआ, बाकी निर्णय लालू प्रसाद जी को लेना। सर, नीतीश जी को लेकर क्या चर्चा हुआ मीटिंग में? नीतीश कुमार जी और सरकार के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ, सरकार चल रही है। सुधाकर जी, क्या लालू जी से बातचीत हुई? आप लोगों की विधायकों से जो बातचीत हुई क्या कहा? सरकार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुआ, लोकसभा को चुनाव को लेकर के चर्चा हुआ, उस पर एकजुटता की बात हुई और कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने नीतीश कुमार से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार व्यस्त है। उधर बीजेपी क्या कह रही है ये भी देखते हैं। खड़गे जी और लालू जी के बीच में बात हुई है कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे जानकारी नहीं, पर जरूर हुई होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको ये औपचारिक तौर से बोल सकता हूँ कि खड़गे जी और ममता जी के बीच में बातचीत हुई है। मैं ये भी औपचारिक तौर से आपको कह सकता हूँ कि खड़गे जी ने प्रयास किया है बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया है, और एक बार नहीं 2-3 बार प्रयास किया, पर व्यस्त है बिहार। एक मिनट यार, बिहार, प्लीज वेट, आई कम टू यू। बिहार के मुख्यमंत्री व्यस्त है। कथित इंडी गठबंधन के सहयोगी थे तृणमूल कांग्रेस, उसने ऐलानिया कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया, अब पहले ही बसपा ने उत्तर प्रदेश में कह दिया। तो मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथा कथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अज्ञात नेतृत्व में अंतर विरोधों से भरा हुआ भ्रम का गठबंधन, तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे उनका शिजरा बिखर रहा है। और सीधा रुख करते हैं पटना का, वहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, कई तरह की बातें भी चल रही हैं, बयानबाजी हो रही है, बैठकें हो रही हैं, आप वहां पर क्या पता लगा पा रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हूँ। बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता हैं, जिसमें विनोद तावड़े प्रदेश प्रभारी हैं, नित्यानंद राय हैं,
मंगल पांडे हैं, सम्राट चौधरी हैं, तमाम बड़े नेता और तमाम विधायक जो हैं वो इस पार्टी ऑफिस में बैठे हुए हैं। इससे पहले अभी थोड़ी देर बाद हिंदुस्तानी आवाम पार्टी जो है जीतन राम मांझी की, उनके चार विधायक मिलेंगे शाम को 7 बजे। कल सुबह 9 बजे भारतीय जनता पार्टी की एक और बैठक इसी भाजपा दफ्तर में है। कल सुबह 10 बजे JDU की बैठक है। तो एक के बाद एक, दोपहर में RJD की भी बैठक हुई थी। तो बैठकों का जो सिलसिला है वो चल रहा है और इस वक्त निराशा अगर कहीं है तो वो RJD दफ्तर में है, क्योंकि अब तक वो सत्ता में थे और अचानक नीतीश कुमार का मन बदला और जिस तरीके से पॉलिटिकल अपडेट्स आ रही हैं बहुत तरह के कयास हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि आज ही शाम को या देर रात तक मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि कल इस्तीफा देंगे और कल ही शपथ ग्रहण हो सकता है। तो तमाम चर्चाएं हैं और इस बीच में गहमा गहमी देखिए, आमतौर पर शाम को मैं पटना पहले भी आता रहा हूँ और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ BJP दफ्तर में कभी नहीं होती है, लेकिन आज बैठक है और इस बैठक में तमाम जो BJP के विधायक हैं, नेता हैं, वो सब मौजूद हैं। BJP के लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है कि सरकार बनने पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे और ये जो बैठक है इसको बार बार ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बैठक है और 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचेंगे, उसकी तैयारियों के लिए बैठक है। तो BJP ने बिल्कुल साइलेंस अपना रखा है इस मामले में और नीतीश कुमार ने भी एक तरह से कुछ भी नहीं बोला है। सुबह भी हमने कोशिश की उनसे बात करने की, बक्सर में भी कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने भी कुछ बोला नहीं है। तो जो जिनकी सरकार बनाने की संभावना है वो बिल्कुल शांत है। RJD बैठक कर रही है, RJD ने कहा है कि लालू यादव को सारा अधिकार होगा कि वो क्या करते हैं और लालू यादव एक ऐसा एक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस समीकरण में नंबर गेम में RJD और BJP के जो गठबंधन है उसको कहीं ना कहीं फ्लॉप करने की कोशिश करेगी। अब वो तभी संभव है जब JDU या BJP से कुछ विधायकों का इस्तीफा हो जाए, उसके साथ ही HAM पार्टी उनके साथ आ जाए। इस तरह का अगर कुछ होता है तभी ये नंबर गेम में RJD जो है वह वापस आ सकती है। तो कौन किसके संपर्क में है ये तो नहीं कह सकते। कांग्रेस की भी आज बैठक पूर्णिया में हुई है। कांग्रेस चूँकि राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है इसलिए वो सिम्बॉलिज्म के तौर पर पूर्णिया में बैठक की है और कांग्रेस पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो लालू यादव के साथ है, RJD के साथ है। तो ऐसे में नंबर गेम में अभी भी RJD, कांग्रेस, वाम, इन सब के जो नंबर्स हैं वो कम हैं और पूरी उम्मीद है कि कल नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर से इसलिए क्योंकि अलायंस अलग होगा लेकिन पद नीतीश कुमार का वही रहने वाला है। जी तो सारा संख्या का खेल है। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और दूसरी तरफ LJP रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने आज गृह मंत्री अमित शाह और BJP अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं लेकिन नीतियों से समझौता नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने BJP के सामने शर्त रखते हुए कहा कि हमारे कोटे की सीटें हमें मिले, अगर मांग नहीं मानी गई तो 2020 की तरह हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बहुत धोखे खा चुके हैं, अब नहीं खाएंगे, PM मोदी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं था। आज इतना जरूर है कि मेरे और इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था, ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुखबुगाहट है वो सही है। मराठा समाज का दबाव काम आया और राज्य सरकार ने उनकी सभी मांगों को मानते हुए अध्यादेश भी जारी कर दिया। नतीजा, जालना से मुंबई के लिए निकला मोर्चा मुंबई के पहले नवी मुंबई से ही वापस लौट गया, लेकिन इसके लिए खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नवी मुंबई जाकर मराठा समाज के नेता को अध्यादेश की कॉपी सौंपनी पड़ी और जूस पिलाकर अनशन छुड़वाना पड़ा। मराठा समाज की जीत हुई, राज्य सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई के शिवाजी चौक पर पहुंचकर मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल को अपने हाथ से अध्यादेश की कॉपी सौंपी और जूस पिलाकर अनशन भी तोड़वाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो वचन दिया था वो पूरा किया। आज सकल मराठा समाजाच्या एकजुटीचा मराठा आंदोलन का चेहरा बन चुके मनोज जरांगे ने अध्यादेश निकालने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आभार माना।
और नवी मुंबई में ही आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। आपल्याला न्याय मिळावा आणि सगळे सोयरे सुद्धा नोंद नसल्यामुळे आरक्षणात यावे। मुख्यमंत्री साहब ने कल इसका राजपत्र और अध्यादेश निकाला, उसके लिए उनका धन्यवाद। शिंदे साहब से एक ही अपील है कि जो सगे संबंधी का अध्यादेश निकाला है, जो राजपत्र निकाला है, जिसका कुनबी रिकॉर्ड मिला है, उनके घर के सभी सगे संबंधी को भी उसी आधार पर कुनबी का प्रमाण पत्र मिले, उनका शपथ पत्र लेकर काम शुरू करें। मराठा समाज की प्रमुख मांग थी जिन 54 लाख लोगों का कुनबी रिकॉर्ड मिला है उन्हें कुनबी का प्रमाण पत्र दिया जाए, साथ ही उनके सगे संबंधियों को भी उसमें शामिल किया जाए। दूसरी मांग अंतरवाली सराटी की घटना के बाद मराठा आंदोलनकारियों पर दर्ज अपराध को वापस लिया जाए। जब तक सभी को आरक्षण नहीं मिलता है तब तक मराठा समाज के बच्चों की पढ़ाई मुफ्त में हो और कोपर्टी बलात्कार कांड की सुनवाई में तेजी लाई जाए। 20 जनवरी से पैदल चलकर नवी मुंबई आए मराठा आंदोलनकारियों के लिए यह ऐतिहासिक अवसर था। उनका दावा है कि अब उनके समाज के बच्चे भी पढ़ लिख कर IAS और IPS बन पाएंगे। जैसे कि हमें 350 साल पहले मुगलों से आजादी मिली थी, आज जैसे कि जरंगे पाटिल ने हमको आजादी दिलाई है, जो आरक्षण से जो कंपटीशन चालू है, जैसे गवर्नमेंट नौकरी रहे या चाहे बाहर कोई भी कंपटीशन रहेगा, जो आजादी दिलाई है मनोज जरंगे पाटिल ने, एजुकेशन में 100% हमारे मराठों के जो बच्चे है उनको ये बेनिफिट मिलने वाला है। उसके वजह से जो गरीब मराठा थे उनका एजुकेशन नहीं हो पा रहा था, इस आरक्षण की वजह से उनकी फीस बचेगी और हमारे मराठा के बच्चे IAS अधिकारी IPS अधिकारी बनेंगे 100%। लेकिन OBC नेताओं को सरकार की ये दरियादिली पसंद नहीं आई है। सरकार में मंत्री और OBC नेता छगन भुजबल का कहना है कि इस कानून पर आम सहमति नहीं है, इसलिए लगता नहीं कि सरकार अपना वादा पूरा कर पाएगी। समाज की ताकत क्या होती है ये मराठा समाज ने दिखा दिया। मनोज जारंगे के नेतृत्व में समाज ने मोर्चा निकालकर मुंबई आकर जाम करने की जो चेतावनी दी उसका असर हुआ और सरकार को झुकना पड़ा और उनकी सारी बातें माननी पड़ी। लेकिन दबाव तंत्र की राजनीति कहीं आगे चलकर राज्य सरकार के गले की हड्डी न बन जाए, ये सवाल बना हुआ है। नई मुंबई से कैमरामैन प्रवीण डोसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया की। बिहार में नजर आ रहे बड़े सियासी बदलाव और उसके इंडिया गठबंधन पर असर के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी चर्चा में है। इस ट्वीट में अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की बात कही है। अखिलेश ने RLD को पहले से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 सीटें दी है। अगर कांग्रेस 11 सीटों पर सहमत हुई तो समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर लड़ेगी। लेकिन उनके ट्वीट के बाद कांग्रेस की तरफ से जवाब आया कि सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है और अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। और अखिलेश यादव का क्या ट्वीट है वो भी आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और PDA की रणनीति इतिहास बदल देगी। हर स्टेट वाइज समीक्षा बैठक थी, उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हुई और मुझे लगता है सभी काफी पॉजिटिव सकारात्मक हैं, आगे बात बढ़ रही है। एक ब्रेक लेते हैं। NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।